हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 8, और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। और इसके बाद बच्चों की डिमांड आ रही है कि चैप्टर नंबर 4 और 12 को पहले करवा दिया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा ये दोनों चैप्टर पहले हो जाए, ठीक है ना। तो बच्चों के साथ इन दो चैप्टर में ज्यादा दिक्कत है, टेस्ट कुछ लोगों के बच्चों के चल रहे हैं, कुछ के हो गए हैं और कुछ के स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद परेशान ना हो, मैं लेक्चर नंबर 4 और 12 को पहले ले लूंगा और कोशिश करूंगा विद इन 2-3 डेज में दिन रात लग करके सारे लेक्चर्स कवर करवा दूं उसके, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं सोया और गार्लिक, बहुत ही फेमस है ना। सोयाबीन की जो छोटे छोटे बीज आते हैं, सोयाबीन की बरी नहीं, सोया जो बीज वाला होता है, ठीक है ना। और गार्लिक, लहसुन, कौन नहीं जानता लहसुन के बारे में, हमने खूब पढ़ा इसके बारे में, है ना। इनके फायदे देखेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें, कुछ ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है हमको, चीजें हमको ज्यादातर पता ही है इसमें। तो देखो, सोयाबीन सब लोगों ने देखा ही होगा, हरे पे जब फली होती है तो ऐसी दिखाई पड़ती है, ये बीज सबने देखा होगा ना। कुछ लोग जिम शिम जाते होंगे, बॉडी शॉडी बनाते होंगे तो ये खाते होंगे, है ना। हर किसी को हजम नहीं होता बोलते हैं। खैर, क्लासिफिकेशन की बात कर लें सोयाबीन की, तो क्योंकि इसका इंट्रो में हमें कुछ देना ही है ना। हेडिंग है हमारे पास, हर्ब एज ए हेल्थ फूड इंट्रोडक्शन। भाई इसका इंट्रोडक्शन दो, तो इंट्रोडक्शन में क्या देना है बताओ, इसकी फैमिली हमने के बारे में अगर है तो याद कर लो इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे करके, सर क्या क्या करना है, तो मैं बता दूं, जैसे किंगडम, डिवीजन, ठीक है। अब सब डिवीजन याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 चीजें तो देनी देनी है ना। डाइकोटिलेडन, जिसके 2 बीज होते हैं, जीनस ग्लाइसिन, स्पीसीज मैक्स, और दोनों मिलकर के नाम बन जाता है ग्लाइसिन मैक्स, इसका बॉटनिकल नेम बन जाता है या साइंटिफिक नेम कह लो, ठीक है। तो इतनी बातें तो पक्के से याद रखनी है, 7 चीजें ना जो हमने पढ़ते आ रहे हैं क्लास, छोटी क्लास से 7 चीजें जो ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, और ये दोनों भी याद करो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से पिक्चर देख के आधी कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या पढ़ने वाले हम लोग, है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे सर आज तो हमने सुबह से खाया है ये अच्छी बात है, खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम से कम हर किसी को, अगर हर कोई इसके रोजाना 50 दाने रोज खा ले तो प्रोटीन काफ़ी हद तक बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो वो होती है कमी पूरी हो जाती है। तो चलते हैं आगे हम लोग, ओके। इंट्रोडक्शन, ये विजिबल है, मैं देख लूँ इसका फॉन्ट तो नहीं छोटा हो गया है, चलो विजिबल है ये, आई थिंक विजिबल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसका साइज फॉन्ट थोड़ा छोटा है बट ये विजिबल है, ठीक है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, सोयाबीन जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन मैक्स भी कहते हैं, क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन मैक्स, जो कि इसका बॉटनिकल नेम है। क्रॉप इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ ऑयल ग्लोबली, पूरी दुनिया में ऑयल का जो मेन सोर्स है वो यही है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस। इसी न्यूट्रिशन, ये लाइन यही आनी चाहिए थी, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से, क्या है ये, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है इसकी। क्यों, एक तो ऑयल है जो पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है, न्यूट्रिशनल वैल्यू और कॉमर्शियल, पैसा भी दे रहा है और हमारे शरीर को पोषक तत्व भी दे रहा है। कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन वॉज ओरिजिनेटेड इन एशिया, एशिया में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था लगभग 5000 साल के पहले, फर्स्ट इन चाइना, सबसे पहले चाइना में। सिंस इट इज एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल का एक्सलेंट सोर्स है एंड प्रोटीन का, दस हैज बिकम एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप वर्ल्ड वाइड। अब भाई पोषक तत्व तो सबको चाहिए, अब क्यों ना उसको बेच करके सेहत भी बना ली जाए और पैसा भी कमा लिया जाए। तो इसीलिए क्या हुआ, एक्सलेंट सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड प्रोटीन दस हैज बिकम एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। ये कैसा हो गया है, इकोनॉमिकली, है ना, इकोनॉमी देता है उनको, पैसा कमा के देता है, पूरी दुनिया में सब इसको बेच रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई वेट, ड्राई वेट के हिसाब से अगर सूखा बीज ले लें, उसके हिसाब से हम रॉ सीड ले लें इसका, और उसका ड्राई वेट ले लें 100 ग्राम के हिसाब से, या एक बीज ले लें, तो उसके अंदर लगभग 35-40% प्रोटीन होता है, 20% लिपिड्स हैं, 9% डायट्री फाइबर्स हैं, एंड अराउंड 8.5% क्या होता है, मॉइस्चर होता है। दिस कंपोजिशन वेरी विद लोकेशन, क्लाइमेट एंड द प्लांटिंग एंड वैरायटी ऑफ सोयाबीन, है ना, कौन सी लोकेशन में उगाया जा रहा है, किस क्लाइमेट में उग रहा है, ठीक है, कौन सी वैरायटी ऑफ सोयाबीन की, उसके हिसाब से ये कंपोजिशन वेरी कर सकता है, क्लियर है। अब कह रहा है सोय फूड्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल, सोय फूड्स मतलब सोयाबीन के जो फूड्स होते हैं वो मिनरल का ग्रेट सोर्स है। मिनरल पता है ना, आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स होते हैं। प्रोटीन एंड फाइबर्स, फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, एंड विटामिन, एंड आर ऑल्सो लो इन सैचुरेटेड फैट्स, जो कि हार्मफुल होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स,
है ना, फूफा फ्यूफा, ठीक है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी में एक बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं आने देते हैं, और जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो कहीं ना कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करते हैं। सोया प्रोडक्ट्स ऑफ वाइड वैरायटी हैव बीन प्रिपेयर्ड सच एज, कह रहा है सोया के कई सारी वैरायटीज बनाई जाती है खाने के पर्पज से, जैसे कि रोस्टेड सोयाबीन, बॉयल्ड सोयाबीन, सोय मिल्क, सोय मेयोनेज, मीसो, सोय चीज, सोय योगर्ट, टेम्फे, सोय सॉस, तमारी, टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन टीवीपी, टेक्सचर्ड सोय प्रोटीन और टोफू। अब कुछ नाम तो नहीं सुन रखे होंगे, ऑब्वियसली बात है अगर इंडिया में नहीं होंगे तो कुछ नाम हम लोगों ने नहीं सुने होंगे, देखे भी नहीं होंगे, तो जिनको सब कुछ समझना है कि हाँ ये कैसा बनता है, जाएं गूगल पे पिक्चर देखें उसकी, ठीक है ना, कि कैसे बनता है और क्या होता है करके। फिलहाल इनकी एक दो रेसिपी आप लोग याद रख सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट सोय कॉम्पोनेंट डेट एग्जिबिट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो हमारी बॉडी में जाके असर करता है या हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, सेपोनिन्स, आइसोफ्लेवोन्स एंड प्रोटीएज इनहिबिटर, ये वो कॉम्पोनेंट है जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, यानी कि हमारी बॉडी में जाकर क्या करते हैं, असर डालते हैं। आगे अगर हम बात करें, सोयाबीन इज यूज ग्लोबली फॉर हेल्थ डाइट ड्यू टू इट्स हाई कंटेंट ऑफ आइसोफ्लेवोनॉइड्स एंड फॉलिक एसिड, ये तुम्हारा बनेगा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। मेन क्या है सोयाबीन के अंदर जिसकी वजह से इसको खास प्रायोरिटी दी जा रही है, प्रोटीन तो चलो है ही एक, आइसोफ्लेवोनॉइड्स और फॉलिक एसिड इसकी वजह से इसकी खासियत, मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो इसके खास कंपोनेंट है जो इसके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। सोयाबीन एंड इट्स प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन, ठीक है ना, सोयाबीन और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्लांट प्रोटीन यानी कि प्लांट से जो हमको प्रोटीन मिलता है उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, एज दे आर कंसिडर्ड ऑफ अ हाई अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड का हाई कंटेंट होता है ना, स्पायरुलिना में हमने काफी कुछ पढ़ा था कि एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एंड दे हैव वेरियस बेनिफिट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, और इसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा अच्छे इफेक्ट आते हैं। द कंटेंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड क्वालिटी फैट्स इन सोयाबीन आल्सो एसेंशियल फ्रॉम द न्यूट्रोसोटिकल पर्सपेक्टिव, कह रहा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें और फैट की क्वालिटी की बात करें तो वो भी एसेंशियल है, एसेंशियल होते हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं अगर हेल्थ के या न्यूट्रोसोटिकल के रेस्पेक्ट में देखें, यानी कि उसके अंदर प्रोटीन और फैट दोनों ही अच्छे वाले हैं। सोय सीड्स कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एलिमेंट हुज इनटेक इज मार्जिनल, कह रहा है सोय सीड के अंदर कुछ एलिमेंट जिसका इनटेक हम ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम, मतलब खाने पीने मिल ही नहीं पाता हमको, या हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में खाना खा रहे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम उतने नहीं मिल पाते हैं, तो वो इसके अंदर काफी ज्यादा होते हैं, तो इसको खाएंगे तो वो हमें पूरे मिल जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम, आयरन और जिंक, एंड हैव कंसिडर्ड हायर अमाउंट ऑफ मिनरल्स एज कम्पेयर टू सीरियल सीड, जो सीरियल्स होते हैं उनमें ही प्रोटीन कहा जाता है लेकिन उसके मुकाबले में इसके अंदर मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। सोया प्रोटीन आर आल्सो ग्रेट सोर्स ऑफ डिफरेंट बायोएक्टिव पेप्टाइड्स, जो बायोएक्टिव पेप्टाइड्स यानी कि वही जो पेप्टाइड्स एक्टिव हमारी बॉडी में वो भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं इसके अंदर, हैव एक्सक्लूसिव हेल्थ एडवांटेजेस, उसके कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो किसी और के पास नहीं है, विच आर यूटिलाइज फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक इलनेस रिलेटेड टू एज, एज जब बढ़ती है उसके बाद कुछ ऐसी इलनेस आती हैं जो क्रोनिक होती हैं एज की वजह से, उसको ठीक करने में हेल्प करता है, सच एज ओबेसिटी, मोटापा, उम्र के साथ मोटापा आता है, आदमी काम करना कम कर देता है, बैठा रहता है, मोटापा आ रहा है, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो रही है उसमें भी ये मदद करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट का डिजीज आने लगता है, कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ रही है या बढ़ती है एज के साथ, तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करता है और ये काफी अच्छा है इस मामले में। मॉडर्न रिसर्च proposes that ड्यू टू द वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल कंटेंट सोयाबीन मे बी beneficial इन डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ osteoporosis एंड अदर bone degenerative डिजीज, कह रहा जो आज की रिसर्च है वो बताती है, प्रपोज करती है कि ड्यू टू वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल कंटेंट, इसके अंदर काफी अच्छी न्यूट्रिशनल कंटेंट है जो कि बेनिफिशियल है किस किस में, डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ osteoporosis, हमारी बोन के लिए है, osteoporosis होता है बोन का घिसना एक तरह से, ठीक है ना, बोन्स कमजोर हो रही हैं, एंड अदर बोन डिजनरेटिव जिसमें बोन डिजनरेट हो रही है, खराब हो रही है डिजीज, कोलोन, प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन का कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये, लेसन हॉट फ्लैशेस रिलेटेड विद मीनोपॉज, इसके बारे में डिस्कस कर सके हैं, मीनोपॉज के बाद कुछ फीमेल्स में हॉट फ्लैशेस है ना, गर्माहट, एक गर्मी सी आती है, मतलब एक ऐसे हॉट वेव सी आती है बॉडी में, तो उसको भी ठीक करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं, अगर इन सब चीजों की अब तुम लोगों को देखो सबको नॉलेज होती जा रही है,
तो इसी हिसाब से तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना एक फूड चार्ट तैयार कर लो, ठीक है ना, और अपनी फैमिली वालों को बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ें खाएं, मतलब इतना सारा थोड़ा थोड़ा रोज़ खाएं, एटलीस्ट सोयाबीन है 50 दाने जैसे मैंने बताया रोज़ खाओ तो बड़ा हेल्पफुल है, मतलब बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में ये, क्लियर है। अब थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन सिंपल, इसका ये चाहो तो ये याद रख लो, आइसोफ्लेविन्स, आइसोफ्लेवोन्स, बायोएक्टिव पेप्टाइड्स, सेपोनिन्स, ठीक है, देन प्रोटीएज इनहिबिटर। तो यहाँ पे देखते हैं एंटी कैंसरस, एंटी फाइब्रोसिस, एंटी एस्ट्रोजन, ऑस्टियोपोरोसिस, एंटी एथरोस्क्लेरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज, एंटी ऑक्सीडेंट, न्यूरो, ठीक है। तो ये 6-7-8 तरह की डिजीज हैं, चाहो तो कौन किस में हेल्प कर रहा है ना याद रहे तो कोई बात नहीं, इसको अलग, ये सारी एक एंटी कैंसरस, एंटी फाइब्रोसिस है ना, एंटी हाइपर सेंसिटिव, ये 7-8 डिजीज अलग से निकाल करके अलग से याद कर लो, या इसके सामने याद रख सकते हो तो इसके सामने याद रखो कौन किसको हेल्प, किसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसको हम लोग ऐसे देख लेंगे जो हमेशा देखते आ रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट ऑफ सोयाबीन, एंटी डायबिटिक है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी ओबेसिटी है ना, इम्यून स्टिमुलेंट है, एंटी इन्फ्लोमेटरी है, इफेक्ट ऑन कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट में हार्ट की जो डिजीज होती है उसमें हेल्प कर रहा है, और एंटी कैंसर है, कैंसर को रोकने में ये हेल्प करता है। तो इस टाइप से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं, चाहे इस टाइप से याद रखें, बात एक ही है, चाहे ये तरीका अपना है चाहे ये तरीका अपना है, ठीक है ना, वहां पे तो तुम लोग एक ही दो लाइन लिखी लोगे इसको लेकर के, क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, सोयाबीन, क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं अपना जो नेक्स्ट है हमारे पास, गार्लिक। भाई गार्लिक तो सबको पता है ना, लहसुन, लहसुन सब खाते हैं। अब देखो तुमको एक चीज बताता हूं मैं, अब इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे भी तो वो चीज तुमको और अच्छे समझ में भी आएगी। जो लहसुन है, एक कहावत तो सब लोगों ने सुनी होगी, 1 apple a day keeps doctor away, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, 1 apple a day keep doctor away। अब जो मॉडर्न स्लोगन है ना, इससे चेंज हो रहा है, अब एप्पल 100 रुपए किलो, अच्छा एप्पल 200 रुपए किलो, कौन खरीद के खाएगा, गरीब तो नहीं खा सकता। गार्लिक होता है ना, इसका जो एक क्लोव जिसको हिंदी में बोलते हैं पुती, 2 पुती रोज खाइए आप, और भी आप देखेंगे इसमें कितने जबरदस्त फायदे हैं उसके, मतलब अगर वो 2 पुती आप रोज खाते हैं ना, तय पीस करके डायरेक्ट उसको पीस ले, मतलब पुती छील ली, क्रश कर लिया, खा के निकल गए पानी के साथ, या रोस्ट कर लिया तवे पे डालकर और खा लिया उसे, इतने जबरदस्त फायदे हैं, रोज अगर आप हैबिट में डाल लें तो मेरे ख्याल से 80% बीमारियां तो आपको लगने की नहीं है। यस, हाँ देखते हैं, तो आओ इसका फिर से वही देखते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले क्या देख लेंगे, इसका क्लासिफिकेशन है, मैंने जैसे बताया था क्या क्या याद रख लेंगे, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे, बात कर लेते हैं इसकी, तो क्या कह रहा है, गार्लिक एलियम सटाइवम फैमिली लिलियेसिया एलियेसी, लिलियेसिया एलियेसी इज अ पेरिनियल प्लांट है ना, पेरिनियल प्लांट है, कंपोज्ड ऑफ अ कंपाउंड बल्ब, बल्ब मतलब जो उसका पूरा जो एक गांठ होती है जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर कई सारे लहसुन की पुतियां होती हैं, उसको बल्ब बोल दिया, कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल बल्ब, जिसके अंदर छोटे छोटे जो बल्ब है जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोव भी बोल देते हैं, जो लहसुन की रहता है ना, ये डायग्राम अच्छा नहीं है, डायग्राम डाल, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक क्लोव, एक पुती बोल देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बल्ब, द लेटर जनरली नोन एज क्लोव, जिसको हम जनरली क्लोव बोल देते हैं, विच आर इनक्लोज टूगेदर इन ए व्हाइट स्किन, सफेद कलर की उसके ऊपर क्या परत सी रहती है ना, छीलते हैं उसे, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड वाइडली कल्टिवेटेड प्लांट विद बोथ क्यूलिनरी एंड मेडिसिनल यूजेस, क्यूलिनरी मतलब खाने में और मेडिसिनल पर्पज दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। गार्लिक हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ओवर 4000 ईयर ऑफ क्यूलिनरी एंड मेडिसिनल यूजेस, 4000 साल से ही हम लोग इसका खाने में और दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो कुछ जनरल बातें, ये बातें नहीं भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक बता देता हूं मैं, सो ड्यूरिंग ग्रेट, ठीक है, बताता हूं मैं, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। रिसर्च बाय लुईस पाश्चर इन 1800 डॉक्यूमेंटेड दैट गार्लिक किल्स बैक्टीरिया, लुईस पाश्चर ने रिसर्च किया, कहा गार्लिक किल करता है बैक्टीरिया को, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू व्हेन पेंसिलिन एंड सल्फा ड्रग वर स्कार्स, जिनकी कमी पड़ गई, गार्लिक वॉज यूज एज एन एंटीसेप्टिक टू डिसइनफेक्ट ओपन वाउंड एंड प्रिवेंट गैंग्रीन, गार्लिक इसको पीस पीस के लगाया गया उसके ऊपर, ठीक है ना। इन 1950 डॉक्टर अल्बर्ट स्क्विस्टर यूज्ड गार्लिक टू ट्रीट कोलरा, टाइफस एंड अमीबिक डिसेंट्री व्हाइल ही वाज वर्किंग इन अफ्रीका एज ए मिशनरी, इन्होंने ये बीमारियां ठीक करी गार्लिक की हेल्प से, भाई उस समय नहीं था ना इतना हमारे पास,
ठीक है. देन द सोवियत आर्मी है ना, रिलाइड हैवीली ऑन गार्लिक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन एंड टू. जो सोवियत आर्मी थी उसके पास पेंसिलिन नहीं थी, यूएस के पास तो थी, तो उसके पास पेंसिलिन थी नहीं, तो इसको क्या कहा, इन्होंने इतना ज्यादा गार्लिक का इस्तेमाल किया अपने जवानों को ठीक करने के लिए, तो उसको रशियन पेंसिलिन बोल दिया गया. ठीक है, आप समझ सकते हो कितना जबरदस्त इफेक्ट है गार्लिक के. ड्यूरिंग द ग्रेट प्लेग एंड एपिडेमिक, प्लेग पता ना महामारी आई थी प्लेग की, सम हर्बलिस्ट, कुछ जो हर्बलिस्ट थे जानकार थे, उन्होंने क्या किया इससे बचने के लिए ना, लार्ज अमाउंट में तो खाया इसको पहली चीज, एंड वियरिंग गार्लिक स्ट्रैंड्स अराउंड देयर नेक, और माला बना के टांग ली इसकी. टिल डेट, आज तक इट इज नॉट बीन डिटरमाइंड वेदर इट इज एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट दीज पीपल. समझ में नहीं आया कि उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज ने इन लोगों को बचाया है, कि वेदर द फाउल स्टेंच, जो उसकी गंदी महक आती है ना, उसकी एक बदबू से आती है, ऑफ द हर्ब डिस्करेज अदर फ्रॉम गेटिंग क्लोज इनफ टू स्प्रेड द इन्फेक्शन, या उसकी जो गंदी सी स्मेल थी उसकी वजह से लोग उनके पास नहीं गए, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन से बचे रहे थे. अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. तो ये देखो, ये जो चीज डाली ना, सिंस गार्लिक इज वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड इट्स इंप्रूवमेंट फॉर डिजायर्ड ट्रेड थ्रू कन्वेंशनल मीन्स इज डिफिकल्ट. कह रहा है जो गार्लिक है वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होता है ना, बीज तो है नहीं इसका पोती बोधी द्वारा से, इसकी वजह से इसके हम लोग इसके अंदर कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहें तो बड़ा मुश्किल था, हाइब्रिड करना या क्रॉस करवाना बड़ा मुश्किल था. लेकिन अब क्या हो गया है, इंटरवेंशन बायोटेक्नोलॉजी आ गई है, जीन्स में छेड़छाड़ कर देते हैं हम लोग. पहले क्या करते थे, हम लोग क्रॉस कराते थे, क्रॉस अब जब वेजिटेटिवली हो रहा है तो क्रॉस कैसे कराएंगे, पॉसिबल नहीं है. जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो हम जीन्स में ही चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, टिश्यू कल्चर और जो जीन्स ट्रांसफर के प्रोटोकॉल थे उसकी हेल्प से हम लोग इसके अंदर काफी ज्यादा क्या कर पाए हैं, चेंजेस कर पाए हैं. तो ये जो बातें हैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, ये बातें कुछ ऐसी हैं जो समझ में आती है कि यार वाकई में कि लेसन का तो ना बड़ा जबरदस्त रोल रहा है. ठीक है ना, हम लोग आज के टाइम में उसको खाते नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं खाते, कुछ लोगों को महक ज्यादा लगती है, तो कोई बात नहीं जो लोग नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो लोग खा सकते हैं ना, रोज एक लेसन पक्का खाएं, पक्का खाएं, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे. क्लियर है, आगे आते हैं. तो केमिकल कॉन्स्टेंट, एवरी 100 ग्राम इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोरस इतने ग्राम है, कैल्शियम, आयरन, राइफ्लोमिन, थायमिन, निकोटीन सब है इसके अंदर. ठीक है, विटामिन सी, सेलेनियम, जर्मेनियम, एसेंशियल ऑयल्स कंसिस्ट ऑफ एलिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द गार्लिक, थायोइथर कंपाउंड्स, गार्लिक आल्सो कंटेन सिट्रल, जेरेनियोल, लिनालूल, अल्फा फेलेंड्रीन, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड, वेलरल्डिहाइड. ठीक है, अब देखो ये सबसे कंटेंट के बारे में कह रहा है, व्हेन गार्लिक इज क्रश्ड, जब गार्लिक को पीसो, इट रिलीज एटलीस्ट 100 सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, जिसके अंदर सल्फर, जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं लगभग 100 से ज्यादा क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, निकलते हैं वेपर के रूप में. एंड इट्स सल्फर डेट गिव गार्लिक डिस्टिंक्टिव ऑर्डर, और उसी सल्फर की वजह से इसकी बड़ी अजीब सी गंध आती है, बदबू सी लगती है. ठीक है, क्रश्ड गार्लिक आल्सो रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड एलिनेज, जब पीसते हैं तो उसके अंदर से एक एंजाइम रिलीज होता है एलिनेज, एंड दिस एंजाइम कन्वर्ट एलिन, ये क्या करता है, एलिन नाम का जो कंपोनेंट होता है उसको कन्वर्ट कर लेता है किसमें, एलिसिन में, यानी कि एलिसिन इसके अंदर पहले से नहीं होता है, एलिन होता है, जब इसको तोड़ोगे फोड़ोगे तो एलिनेज निकलता है, इस एलिन के ऊपर काम करेगा और उसको किसमें बदल देता है, एलिसिन में. क्लियर है, सम ऑफ द गार्लिक कंपाउंड्स करंटली अंडर इंटेंस इन्वेस्टिगेशन, कुछ कंपाउंड्स के अंदर बहुत जबरदस्त उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है, एलिन के ऊपर चल रही है. ठीक है ना, एलिन के ऊपर चल रही है, वो एलिन है, ये एलाइन है, ऑर्डरलेस कंपाउंड होता है, एजियोनी है, ठीक है, डाई एलाइल सल्फाइड है, देन डाई एलाइल ट्राई सल्फाइड है, देन एस एलाइल सिस्टीन है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड एंड एलाइल सल्फर कंपाउंड, इसका फिगर नहीं है, फिगर यहां से काट देंगे. ठीक है ना, तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से इसके इतने अच्छे कंपोनेंट है, जिसका जबरदस्त इंपैक्ट है हमारी बॉडी पे, इसीलिए आज के टाइम पे एक स्लोगन बनता जा रहा है. ठीक है ना, वन क्लोवर डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी कि आप सेब मत खाइए, एक क्लोव, एक छीला, एक पुती और खाली, बस खाली मतलब क्रश करके खानी है या रोस्ट करके खा लो, बदबू आती है थोड़ी सी उसकी. ठीक है ना, तो ये सारे गार्लिक कितने जबरदस्त है हमारे लिए, हेल्थ के लिए, इसका आपको लोगों का आइडिया ही नहीं है. आगे आते हैं, थेरेपेटिक एप्लीकेशन देख लें, तो मैंने जैसे बताया हर बार की तरह 15-20 आप याद रख लें, कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट है, जैसे गार्लिक हो गया, स्पायरुलिना हो गया, उसमें आग बंद करके 15-20 डिजीज लिख डालें, है ना, एंटी अल्जाइमर, ठीक है, इनिबिट कोलिनस्ट्रेस एंजाइम, ठीक है, ब्यूटाइल कोलिनस्ट्रेस और एसिटाइल कोलिनस्ट्रेस,
एंटी कैंसर एक्टिविटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है, हेपेटो प्रोटेक्टिव लीवर को बचाता है, और एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी है। किस तरह से बचाते हैं ये, इनहिबिट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। इंप्रूव एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस, है ना, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है। क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट पता है ना, जो स्ट्रेस पैदा करते हैं सेल के ऊपर, पढ़ चुके हैं हम लोग। सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेंट को किल करते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने। एक्टिवेट इंसुलिन सिक्रेशन, है ना, इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। केमिकल इंटरेक्शन विद एंजाइम्स, ठीक है। तो ये सारे तरीके भी बता रखे हैं यहाँ पर क्या क्या है करके। इनहिबिट द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कहीं पे बॉडी के अंदर पेन हो रहा है या कहीं इन्फ्लेमेशन हो रखा है तो उसको ये कम कर देता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये था हमारे पास गार्लिक और इस चैप्टर नंबर 9 का लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, रिवाइज करना है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें रिपीट भी हैं। गार्लिक हम पहले भी कर चुके हैं, काफी सारे कंपाउंड के बारे में उसको पहले भी जानते हैं, जो पहले कर चुके हैं। अगर जनरल इंट्रो में चाहो तो वो वाली चीजों को भी यहां डायरेक्ट लिख सकते हो, क्लियर है? तो क्या करना है, रिवाइज करोगे और रिवाइज करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट।